ब्रो ये पाकिस्तान का कितना बैड सीन हो गया यार, ये महंगाई की वजह से, यू नो जो पुअर टाइप लोग हैं, जो गरीब टाइप्स होते हैं, ये तो बिल्कुल तबाह हो जाएंगे ब्रो. हाउ आर दे गोना अफोर्ड एनीथिंग ब्रो? गवर्नमेंट ये जानबूझ के महंगाइयां करते हैं. चोरी ब्रो, करप्शन का सीन है. सही कह रहे हो यार, ये लुटेरे ब्रो. आप लोगों की बात एंटायरली ठीक है, बट बिफोर वी गेट इनटू दैट हम थोड़ा सा इकोनॉमी को समझ लेते हैं. सबसे पहली चीज आती है जीडीपी. जीडीपी एक मुल्क की मजमूई दाखिली पैदावार को कहते हैं, यानी एक मुल्क में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज फराहम की जाती हैं उसकी टोटल वैल्यू, यानी एक मुल्क में जितना भी बिजनेस होता है उसका टोटल साइज. फिर आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट वो अमाउंट है जो आपकी इम्पोर्ट यानी दरामदाद और एक्सपोर्ट यानी बरामदाद को माइनस करके निकाला जाता है. यानी अगर आपने $10 की चीजें बेची हैं और $15 की चीजें खरीदी हैं तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट हुआ -5. फिर आता है डेट टू जीडीपी रेशियो, यानी एक मुल्क की कुल सालाना पैदावार के मुकाबले में वो कर्ज जो आपकी हुकूमत ने लिया है. और फिर आता है टैक्स टू जीडीपी रेशियो, एक मुल्क की कुल सालाना पैदावार के मुकाबले में वो टैक्स जो आप लोग यानी कि अवाम हुकूमत को देती है. फिर आता है IMF. IMF एक बैन अलावामी इदारा है जिसका काम उनके मुताबिक दुनिया भर की इकोनॉमी को मुस्तहकम करना है और इसके साथ साथ गरीबी को मिटाना है. अरे अरे शर्मिला बाजी आपको क्या हुआ? अरे तू क्या सब बात दिखा रहे हैं? ये जो पेट्रोल इतना महंगा हुआ है इसका इन सब चीजों से क्या ताल्लुक है? मेरा मतलब बेवकूफ है या हमें बेवकूफ बना रहे हैं? नहीं वो मैं कहना चाह रहा पेट्रोल इतना महंगा हो गया, मेरा शोर है पेट्रोल डलवा के भाग भी नहीं सकता. शर्मिला मेरा गरीब बेगम. अच्छा आप लोग मेरी बात सुने, हकीकत यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल पे टैक्स की शराब बाकी ममालिक से कम है. दुनिया के 160 ममालिक में से 140 ममालिक में पाकिस्तान से ज्यादा टैक्स लिया जाता है पेट्रोल के ऊपर, और जिन ममालिक में पेट्रोल पाकिस्तान से सस्ता है वो अपना तेल खुद निकालते हैं. अब चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत बढ़ रही है और हम अपना ज्यादातर तेल डॉलर में खरीदते हैं और डॉलर महंगा हो रहा है, तो ऑब्वियसली तेल की कीमत तो बढ़ेगी. तो किसने कहा था डॉलर महंगा कर दो? डॉलर सस्ता रखते तो पेट्रोल भी सस्ता होता. अबे यार चलो आओ डॉलर समझते हैं. सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. दुनिया भर की ट्रेड डॉलर में होती है. हम सालाना जितना डॉलर कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा डॉलर हम खर्च करते हैं. अब अगर मार्केट में डॉलर की कमी होगी तो डॉलर का रेट तो बढ़ेगा ही. मिसाल के तौर पे हम हर साल 48 अरब डॉलर की इम्पोर्ट करते हैं और सिर्फ 22 अरब डॉलर की हम एक्सपोर्ट करते हैं. तो क्या हम सिर्फ लग्जरी आइटम्स इम्पोर्ट करते हैं? हमारे तो इतने बुरे हालात हैं कि लग्जरी आइटम्स तो क्या, हम टमाटर और $500 million की सिर्फ हम चाय की पत्ती इम्पोर्ट करते हैं. अब अगर हमारे शौक हमारी औकात से बढ़ जाएंगे तो डॉलर तो महंगा हो गई. तो अगर आप भी अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत देना चाहते हैं तो उन्हें टेलर छोड़ें और अपनाएं यंग्स चोको प्लेस. तो क्या करें हम, भूखे मर जाएं? तो बाजी मेन पाकिस्तान पे फोकस करें और अगर वो चीज पाकिस्तान में नहीं बनती तो इंडस्ट्री लगाएं और बनाना स्टार्ट करें. हुकूमत ने इसीलिए इंपोर्टेड अशिया पे टैक्स लगाया ताकि लोकल प्रोडक्शन को उसका फायदा हो सके. लेकिन वो कैसे? इसको समझने का आसान तरीका ये है कि अगर आप 100 रुपए की न्यूटेला खरीदते हैं तो 5 रुपए स्टोर वाले को जाता है, 5 रुपए इम्पोर्टर को जाता है और बाकी 90 रुपए पाकिस्तान से बाहर जाता है. अब अगर यही चीज पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाए तो हो सकता है शुरू में उसकी कीमत 120 रुपए हो, लेकिन हुकूमत ने इसीलिए इंपोर्टेड अशिया पे टैक्स लगाया ताकि लोकल प्रोडक्शन को फायदा हो और वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर सके. ये सारी बातें तो आपकी ठीक है, लेकिन ये गरीब लोगों का क्या होगा? ये तो महंगाई में खराब हो जाएंगे. अभी देख लेते हैं. देखा जाए तो हाँ जरूरी अशिया की कीमतें बढ़ी है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा इजाफा इम्पोर्टेड गुड्स पे देखा गया. अब वक्त आ गया कि हमें गौर करना होगा हमारी नीड्स और वॉन्ट्स के. नीड्स वो चीजें हैं जो हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है, जबकि वॉन्ट्स की लिस्ट तो कभी खत्म ही नहीं होती. हमें चाहिए कि हम अपनी तमाम वॉन्ट्स को कंट्रोल करें जो हमारा पैसा हमारे मुल्क से बाहर लेकर जाती है. नहीं नहीं, और मेरे चाचू कह रहे थे कि ये सब एक यहूदी साजिश है. क्या IMF के लोग महंगाई करके हमारा सारा पैसा लूटना चाहते हैं. IMF का मतलब जानते हो? इजरायली मर्सनरी फंड. अच्छा यकीन नहीं आता, गूगल कर ले. हाँ मैंने सब गूगल किया था. मैं आपको समझाऊँ आज इसको समझने के लिए मैं तुम्हें एक आसान सी मिसाल देता हूँ. तुम्हारे दादा गए गली के चौधरी साहब के पास, उन्होंने उनसे एक कर्जा लिया ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, लेकिन पढ़ाई की जगह सारा कर्जा अयाशी में लग गया. और फिर तुम्हारे अब्बू आए और उन्होंने मजीद कर्जा लिया ताकि इस बार वो तुम लोगों को कारोबार लगा के दे सके ताकि आप लोग पैसे कमा के कर्ज वापस कर सके, लेकिन इस बार फिर सारा कर्ज अयाशी में लग गया. और फिर आए तुम्हारे दुबई के चाचू. ओए अब्बू दादा को तूने बोल दिया है, चाचू को कुछ नहीं बोल रहा. मेरी बात तो सुनो, तुम्हारे चाचू वापस आए, उन्होंने देखा कि लाखों रुपए का कर्ज है और वापस करने का कोई तरीका नहीं, तो उन्होंने तुम लोगों की शॉपिंग पे बैन लगाया और सबको कहा कि काम पे लगो ताकि पैसे कमा के कर्जा वापस किया जा सके. अब इसी तरह हुकूमत हमारी बाइंग को तो कंट्रोल कर नहीं सकती, लेकिन महंगाई के जरिए वो तुम्हारी फजूल खर्ची को जरूर रोक सकती है. चलो ये तो ठीक है, पर महंगाई तो समझ में आ गई है. पर मेरे चाचू कह रहे थे कि जो चौधरी साहब, मेरा मतलब जो IMF है, ये लोन दे के बदमाशी करते हैं. आओ तुम्हें समझाते. तो मेरे भाई जब आप बैंक के पास जाते हैं लोन लेने तो बैंक आपको लोन माफ तो नहीं कर देता ना,
इसी तरह अगर आप IMF से कर्जा लेंगे तो IMF आपसे कर्जा वापस जरूर लेगा, और कर्जा वापस तभी होता है जब आप उनके पैसे को ठीक से इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे इंडिया आखिरी दफा 1991 में IMF के बाद गया था, और उसके बाद उनकी इकोनॉमी का वही हाल हुआ जो आज हमारा हाल है। उनकी करेंसी 80% डिवैल्यूएट हो गई, और इसके बाद उन्होंने अपनी मार्केट को लिबरेट किया। हाँ, शुरू में उनको मुश्किलें आईं, लेकिन अब उसके बाद आज तक इंडिया IMF के पास नहीं गया, और अब हाल ये है कि उनके फॉरेन रिजर्व हमसे 20 गुना ज्यादा हैं। अच्छा, एक सेकंड, अगर पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हैं तो बंदा क्या करे, रो भी नहीं सकता क्या? माना कि अभी मुश्किल वक्त है, लेकिन अब हम सबको एक होकर पाकिस्तान को बचाना। ये यूथ और पटवारी वाली बहस से आगे जाना, गवर्नमेंट से पूछताछ जरूर करनी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह समझना होगा कि पाकिस्तान के असल मसाइल क्या हैं और हम ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि हम इन मसाइल को हल कर सकें। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि तुम किसी के नहीं, तुम सिर्फ पाकिस्तान के, और अगर तुम पाकिस्तान के नहीं तो पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद।